सेक्शन 105 जो कि लीज को डिफाइन करता है, उसे पढ़ते समय हमने ये जाना कि जो लीज है उसका क्रिएशन केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे ही होता है और लीज का जो ड्यूरेशन है इट मे बी क्रिएटेड फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम या इन परपेचुइटी। मतलब जो लीज का ड्यूरेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द अग्रीमेंट एक सर्टेन पीरियड के लिए फिक्स किया जा सकता है या पीरियड मे नॉट बी मेंशन्ड। इस वीडियो में हम सेक्शन 106 एंड 107 को समझेंगे। सेक्शन 106 लीज के ड्यूरेशन के बारे में प्रोविजंस होल्ड करता है। आइए समझते हैं। सेक्शन 106 कहता है ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इन एब्सेंस ऑफ रिटन कॉन्ट्रैक्ट कस्टम और लोकल यूसेज। यानी देखो जो हमारा लीज है उसका ड्यूरेशन क्या होगा, अगर एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू लीज कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही पार्टीज मतलब लेजर और लेजी ने लीज के ड्यूरेशन को मेंशन कर दिया है तब तो वही लीज का ड्यूरेशन एप्लीकेबल होगा। तो एक बात ये। दूसरा, कभी कभी जो लीज होता है उसका ड्यूरेशन लोकल यूसेज पे डिपेंड होता है। यानी ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस इज डिटरमाइंड बाय लोकल यूसेज और कस्टम। ठीक है, तो सेक्शन 106 कह रहा है कि मान लो जो लीज है उसका ड्यूरेशन उसका टाइम पीरियड ना तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है ना ही कस्टम में डिफाइन है या ना ही लोकल यूसेज के द्वारा उसके ड्यूरेशन को मेंशन किया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। अब यहां पे दो कंडीशन डाला गया है। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस। मान लो आपका जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है लीज के तहत उसका यूज अगर लीजी एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए करता है राइट और इसका जो ड्यूरेशन है इट इज नॉट मेंशन्ड इन रिटन कॉन्ट्रैक्ट कस्टम और लोकल यूसेज, तो हम ये मान के चलेंगे। कह रहा है देखो लीज शैल बी डीम्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी उस समय हम ये मानेंगे कि इसका जो ड्यूरेशन है वो एक साल तक का है और एक साल के बाद भी अगर दोनों पार्टीज अपने कंसेंट से लीज अग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उसे रिन्यू कर देंगे राइट। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है लीज के तहत जिसका यूज एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है तो लीज का जो पीरियड होगा वो एक साल का होगा। ठीक है, आगे कह रहा है फॉर टर्मिनेशन आइदर ऑन द पार्ट ऑफ लेजर और लेज। अब हमने जाना कि लीज में दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक लेजर और दूसरा लीजी। तो कह रहे हैं दोनों ही पार्टीज में से कोई भी पार्टी अगर इस लीज अग्रीमेंट को टर्मिनेट
करना चाहती है। इस केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज टू बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पर्पस, तो जो पार्टी अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रही है उसे नोटिस देना होगा 6 months प्रायर टू rescind द लीज अग्रीमेंट। यानी आपको लीज अग्रीमेंट को rescind करने से 6 महीने पहले नोटिस देना होगा अदर पार्टी को, ठीक है। इनकेस लेजर अगर इस अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रहा है तो उसे लेजी के पास 6 महीने पहले नोटिस देना होगा रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे जो भी पार्टी इस अग्रीमेंट को लीज अग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड करना चाहती है तो उसे इन रिटन फॉर्म नोटिस सर्व करना होगा दूसरे पार्टी को, राइट। दूसरा रिक्वायरमेंट, अगर लेजर नोटिस दे रहा है रिगार्डिंग टर्मिनेशन या सपोज लेजी चाह रहा है कि ये जो अग्रीमेंट है वो टर्मिनेट हो जाए, इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय द पार्टी हु इज गोइंग टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, साइन होना चाहिए। तीसरा, प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन टू सेंड नोटिस वाया पोस्ट। सबसे पहले हमें ये प्रायोरिटी देना है कि हम नोटिस को वाया पोस्ट सेंड करें अदर पार्टी को, ठीक है। अब इन केस बाय पोस्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जो पार्टी टर्मिनेट करना चाह रही है कॉन्ट्रैक्ट को उसे पर्सनली सेंड करना है अदर पार्टी। अब देखो, इन केस मान लो लेजर अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रही है, बाय पोस्ट पॉसिबल नहीं है तो वो पर्सनली जाएगा लेजर लेजी के पास नोटिस लेकर के। इन केस इफ लेजी इज नॉट अवेलेबल एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट पे लेजी इज नॉट अवेलेबल तो लेजर इस नोटिस को लेजी के किसी फैमिली मेंबर को ले जाके डिलीवर कर सकता है। इन केस अगर लेजी के फैमिली मेंबर्स भी नहीं अवेलेबल है तो नोटिस मे बी सर्व टू द सर्वेंट ऑफ लेजी, लेजी के सर्वेंट को दिया जा सकता है। अब ये भी सिचुएशन हो सकता है कि उस मोमेंट पे ना तो लेजी अवेलेबल है ना तो उसके कोई भी फैमिली मेंबर्स अवेलेबल है ना ही सर्वेंट अवेलेबल है, तो वैसे सिचुएशन में लेजर को इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि लीज पर है उसके विजिबल पार्ट पर नोटिस को अफिक्स करना होगा। नोटिस मस्ट बी अफिक्स्ड ऑन द ऑस्पिशियस पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और यही प्रोसेस लागू होता है लीजी पे भी। अगर लीजी इस डील को इस लीज अग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाह रहा है तो सेम प्रोसेस उसे भी फॉलो करना होगा, क्लियर है? ओके, तो पहला कंडीशन क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि यूज किया जा रहा है एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए, तो जो ड्यूरेशन होगा लीज का वो 1 साल का होगा। अगर आप टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो आपको 6 months प्रायर नोटिस मस्ट बी गिवन टू अदर पार्टी। दूसरा कंडीशन कह रहे लीज फॉर अदर पर्पस, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसे लीज की तरह रखा गया है अगर उसका यूज
ना तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो रहा है अंडर लीज अग्रीमेंट, ना ही एग्रीकल्चर के लिए यूज हो रहा है। यानी इन दोनों पर्पस के अलावा यूज किया जा रहा है लीज अग्रीमेंट के तहत उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो जो लीज का ड्यूरेशन होगा वो 1 महीना माना जाएगा। और अगर कोई पार्टी टर्मिनेट करना चाहती है लीज अग्रीमेंट को, तो 15 डेज प्रायर नोटिस मस्ट बी सर्व टू अदर पार्टी। क्लियर है? आई होप कि एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में सेक्शन 106 आपको समझ में आ गया है। अब हम सेक्शन 107 को पढ़ेंगे, जो कि कहता है लीज हाउ मेड, लीज कैसे होगा। सेक्शन 107 कहता है लीज हाउ मेड, यानी लीज कैसे होंगे, किस प्रकार से लीज बनेंगे। आइए समझते हैं। कंडीशन 1 है, इफ लीज इज मेड फॉर 1 ईयर। मान लो लीज 1 साल के लिए क्रिएट किया गया है या मोर देन 1 ईयर, तो ड्यूरेशन अगर लीज का 1 ईयर है या मोर देन 1 ईयर है या ईयरली रेंट है। लीज क्या है? लीज ईयरली रेंट पे बेस्ड है। तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में लीज मस्ट बी मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी लीज रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाया जाएगा एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ पार्टीज, और दोनों पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूशन होगा लीज का। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी जिन दो पार्टीज के बीच लीज अग्रीमेंट हो रहा है और उसका ड्यूरेशन 1 साल का है या उससे ज्यादा है या ईयरली रेंट के कैटेगरी का लीज है, तो वो प्रिपेयर होगा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ पार्टीज, और बोथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके। यानी मेजर होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, यानी पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो भी रिक्वायरमेंट है, जो कि पार्टीज के कॉम्पिटेंसी को बताती है, वो सभी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होने चाहिए। अब देखो दूसरा कंडीशन है ऑल अदर्स, यानी एक्सेप्ट 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर और ईयरली रेंट अगर कोई लीज है विच इज लेस देन 1 ईयर, जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम है, तो उसका जो क्रिएशन है आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है या ओरल अग्रीमेंट के तहत हो सकता है, यूजुअली अकंपनीड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी जो लीज का ड्यूरेशन है वो 1 साल से कम का है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाया जा सकता है या बाय ओरल अग्रीमेंट, और यूजुअली डिलीवरी ऑफ पोजेशन होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का। क्लियर? अब चाहे एक इंस्ट्रूमेंट है लीज का या एक से ज्यादा लीज इंस्ट्रूमेंट्स हैं, शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों ही पार्टीज के द्वारा एग्जीक्यूशन होगा, अगर एक लीज अग्रीमेंट है तो भी, अगर एक से ज्यादा लीज अग्रीमेंट है तो भी, दोनों ही पार्टीज के द्वारा उन लीज
अग्रीमेंट का, इंस्ट्रूमेंट का एग्जीक्यूशन होना है। आगे प्रोविजो में कहता है लीज इज अदर देन ईयरली, यानी लेस देन वन ईयर के ड्यूरेशन वाले लीजेस के बारे में ये प्रोविजो कहता है, लीजेस अदर देन ईयरली मे बी मेड बाय अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, वो अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाए जा सकते हैं। अगर लीज का ड्यूरेशन एक साल से कम है तो, या वो ओरल अग्रीमेंट के तहत भी बनाए जा सकते हैं। एंड इफ गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड देयर इज नो नीड ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, और मान गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे रही है अपने ऑफिशियल गैजेट में कि जो भी लीजेस हैं जिनका ड्यूरेशन एक साल से कम का है वो अनरजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के तहत बनाए जाएंगे या ओरल अग्रीमेंट के तहत बनाए जाएंगे, या मान लो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में कहती है कि ऐसे लीजेस में देयर इज नो नीड ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजेशन, तो ये जो रिक्वायरमेंट है जो कि कहता है कि ऑल अदर्स एक्सेप्ट वन ईयर ऑफ लीजेस आइदर मेड बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय ओरल अग्रीमेंट, और आगे कहता है यूजुअली एकॉम्पनीड बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल गैजेट में डिलीवरी ऑफ पोजेशन के रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सेक्शन 106 एंड 107 एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। थैंक यू।